खड़े ही गो गए, तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। बदली कि कांग्रेस रो राजनीतिक रणनीति मोदी को विरोध रे हाथ पाटी रो मास्कट हेबे कि प्रियंका राहुल नुहे एणिक दलय मोर्चा संभालिबे कि राजीव पुत्री होई पारे ये परिवर्तित रणकौशल रा गुरुत्वपूर्ण आभास आमे कहचु कांग्रेस रे एक नगद राजनीतिक गोटी रु मिलिथिबा संभाव्य रणनीति संपर्कित सूचना रा कथा एक निर्दिष्ट राजनीतिक प्रसंग रे प्रथम थर पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दल पक्ष रु आनुष्ठानिक भाबे काउंटर करछंती हातपाटी महासचिव तथा राजीव सोनिया गांधी को झियो प्रियंका भद्रा लोकसभा सोमवार राष्ट्रपति उद्बोधन उपरे धन्यवाद प्रस्ताव आलोचन भाग नहीं प्रधानमंत्री मोदी विरोधी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को टार्गेट करथिले। लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाएगा। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, खड़े ही गो गए, तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस मोदी कहते जो कोरोना समय रे कांग्रेस और आप सरकार प्रवासी श्रमिकों को निज राज्य को फेरवा पाई टिकट धराय देबारु अन्यन्य राज्य रे कोरोना संक्रमण द्रुत गति रे वृद्धि पाइथला। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज, पहली लहर के दौरान वो मैंने आप मैंने पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था। जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके, सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। प्रधानमंत्री को एभली राजनीतिक मंतव्य रो जवाब मंगलवार देछंती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भद्रा। कोरोना रो द्वितीय लहर बेले प्रधानमंत्री को पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन बेले रो विशाल रैली को परोक्षरे टार्गेट करी प्रियंका मोदी को ऊपर से समान नैतिकता रो पलटा प्रश्नबाण छाड़िछंती। कोरोना द्वितीय वेव बेले मोदी बड़ बड़ रैली करी कौन करुथिले बोली प्रियंका पचारिछंती। एपरिकी घर बाउडा भली संवेदनशील प्रसंगे प्रवासी श्रमिकों को निज राज्य को फेरबारे सहायता करने एक मनोवचित कार्य बोली कही प्रियंका नैतिकतार पाठ भी पढ़ाई। सोमवार प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा कांग्रेस और आप को टार्गेट करी कही थिले जे कोरोनार प्रथम वेव बेले कांग्रेस सरकार प्रवासी श्रमिकों को मुंबई छाड़ा को टिकेट देथिला। इस समय रे दिल्ली सरकार मध्ये प्रवासी श्रमिकों को सहर छाड़ा को कही थिले, एपरिकी समान को बस जोगाई देथिले, फलरे पंजाब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रे कोरोना संक्रमण द्रुत गति रे व्यापी थिला। मोदी को एपरि बयान को प्रियंका को व्यतीत केजरीवाल मध्य समालोचना करछंते। तबे मोदी को काउंटर करबा को राहुल को बदल रे प्रियंका को दल सामना को आनिबा पार्टी रो परिवर्तित रणकौशल बोली किछ राजनीतिक समीक्षक आकलन करछंते। आउ केही कहउछंती जे आगामी यूपी विधानसभा निर्वाचन रे दलीय सत्ता जेनतेन उपाय रे बैचैबा आशा रे ए हातपाटी प्रियंका को
मोदी सामना को आने एक रकम बाध्य। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।